काट दो या फिर करोगे? चौधरी देखो इधर है। पार्टी नंबर 39 37 चंद्रा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जल्दी अंदर आ जाए। पार्टी नंबर 37 39 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंदर आ जाए। जानते हैं कि इलेक्शंस जो डीडीसी के हमारे चल रहे हैं तो उसमें काउंटिंग लोकेशंस और जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स है वो दो जगह पे बनाई गई है। एक तो आप जानते हैं जैसे ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी हमारी और दूसरा डिग्री कॉलेज में, तो इसमें एज़ पर स्पेसिफिकेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाने की हिदायत दे दी गई थी और बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो कंसर्न नोडल ऑफिसर्स ने यहाँ पर किया है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम्स जो है वो उसको काउंटिंग हमारा जब डेट है उस डेट तक सारे जो हमारे बैलेट पेपर्स या फिर जो भी हो उसको महफूज रखना बड़ा ज़रूरी होता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो उसकी वजह से जो है इंतजाम यहाँ पे रिव्यू करने के लिए मैं आया था। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इन्होंने जो है वो यहाँ पर तैयारी की हुई है और काउंटिंग भी जो है हमारा वो यहीं पर एज़ पर स्पेसिफिकेशन यहीं पर काउंटिंग हमारा इस लोकेशन पर और जीडीसी में दो जगह। सर क्या पूरे जिला डोडा की काउंटिंग यहीं पे होगी या ये दो लोकेशंस पे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये लोकेशन इस पे जो है वो हमारे तकरीबन 7 ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे काउंट होंगे और जो दूसरा लोकेशन है हमारा जीडीसी डोडा वहाँ पे जो है वो 7 ब्लॉक्स होंगे। आप जानते हैं कि हमारे आज जो कल जो पहली फेज़ के लिए पोलिंग होने वाला है उसमें दो ब्लॉक्स हमारे कवर होने वाले हैं, भलेसा और चंगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 और 7 इन दो के लिए पोलिंग होने वाला है। उसमें 110 पोलिंग स्टेशन कुल मिला के हैं। आप देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मटेरियल का और डिस्पैच ऑलरेडी पूरा हो चुका है। पोलिंग पार्टीज अपने वे पे हैं और आज दोपहर से वो अपने अपने लोकेशन रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे सिक्योरिटी के साथ पहुंचने की इंतजाम उनके कर दिए गए हैं। वो अपने अपने लोकेशंस पे पहुंचेंगे। कल सुबह 7 बजे से लेके पोलिंग की शुरुआत वहाँ पर होगी और जो है वो 2 बजे तक पोलिंग वहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर चलता रहेगा। कोविड के हवाले से स्पेशली जो जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सैनिटाइज़र्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए ग्लव्स हैं और बाकी सारे स्टाफ के लिए सैनिटाइज़र्स हैं, ये सारी चीज़ उनके साथ ही पीपी किट्स है वो सारी चीज़ें उन्हीं के साथ दे दी गई हैं ताकि एक सेफ तरीके से जो है वो पोलिंग पूरा कंडक्ट किया जाए।
ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, कल शाम को यहाँ पे जो है पोलिंग मटेरियल आने की शुरुआत हो जाएगी। जो भी बैलेट बॉक्सेस हमारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज तरीके से रखा जाएगा और काउंटिंग के दिन पे ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा। सर कितने पोलिंग स्टेशन है टोटल वहाँ पे? ये अभी जो हमारे कल जहाँ पे वोटिंग होने वाला है उसमें 110 पोलिंग स्टेशन हैं, एक लोकेशन पे 50, एक ब्लॉक में और दूसरे ब्लॉक में 60। तो कितने बजे से स्टार्ट होगी? कल सुबह 7 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक चलती है। सर इसमें जो सुनने को आया कि 80 ईयर्स के ऊपर जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, क्या उनके लिए पोलिंग स्टेशन पे ही पोलिंग होगी या उनके घर में जाके पोलिंग नहीं? जो हमने जो एक लिस्ट बनाई हुई है, जो जो कैटेगरीज जो SOP के तहत आई थी, जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, जो होम आइसोलेशन पे हैं, बाकी जो हैं सर्विस वोटर, इन सब के लिए जो है वो बैलेट पेपर जो है वो बनाए गए हैं। जो होम बैलेट है उसके लिए एक अलग से एक सिस्टम बनाई गई है, जिसमें हर रोज़ जो है वो कंसर्न्ड लोगों को बैलेट पेपर्स उनको देंगे और वो जो है वो जो पोलिंग आपका ख़त्म होगा उससे पहले वो बैलेट पेपर जाके वापस वहाँ पे जमा कर देंगे। तो जिनको होम बैलेट्स हैं उनको होम बैलेट्स की प्रोविज़न दीजिए। कोई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन तो नहीं है? एसपी साहब का नहीं। सर अभी इसमें एक और पूछना चाहेंगे, अगर जिसका एरर है जॉब इसमें वोटिंग वोटर कार्ड में, तो क्या उनके जो है इस वोटर लिस्ट के ऊपर उस पोलिंग कर सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जो आइडेंटिटी कार्ड जो उनका है और उनके जो पोलिंग लिस्ट है उस पर दोनों में अगर मैच होता है तो उसमें जो है वो RO कंसर्न जहाँ पे POs जो हैं वो कंसर्न उस पर डिसीजन लेंगे। अलबत्त अगर मेजर एरर्स होगा तो उसका क्लेरिफिकेशन करने का टाइम जो होता है वो नॉमिनेशन के पहले, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से पहले ही होता है। उसको अगर जिसने भी क्लियर किया है उसको हम दे दीजिएगा।